नमस्ते मेरे सारे भाइयों को, समर ड्रेसिंग 101। हाँ जी दोस्तों, हम गर्मियों के बारे में बात करेंगे। गर्मियों में स्टड जैसे कैसे लगे, गर्मियों के मौसम के कपड़े, गर्मियों के मौसम के स्टाइल ट्रेंड्स। दोस्तों अगर आपने इन रूल्स को फॉलो किया ना, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आप सबसे स्टाइलिश गर्मी वाले योद्धा कहलाओगे। गर्मी में स्टाइलिश दिखने का रूल नंबर वन है अंडरस्टैंडिंग कलर्स। दो प्रकार के कलर होते हैं, वार्म कलर्स यानी कि गर्मी वाले कलर्स, यानी कि गर्मी वाले मौसम के कलर्स नहीं, पर वो कलर जिससे गर्मी निकलती है। लाल, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, वार्म कलर्स, इनको देखकर ना आपको लगता है यार इस आदमी में से कितनी गर्मी निकल रही है। और दूसरे प्रकार का कलर होता है कूल कलर्स, जिनको देख के आपको लगता है यार इस बंदे में से कितनी ठंडी निकल रही है। वो कलर्स कौन से हैं? ब्लू, पर्पल, पिंक, वाइट, ये होते हैं कूल कलर्स। यह होते हैं वार्म कलर्स। आपको गर्मियों के मौसम में ज्यादा प्रायोरिटी कूल कलर्स को देनी है। दोस्तों यह होता है गर्मी के मौसम का पहला स्टाइल रूल, और इसी स्टाइल रूल को लेकर एक बहुत बड़ी स्टाइल ट्रेंड भी होती है। उस स्टाइल ट्रेंड का नाम है मैचिंग ब्लू विद ग्रे, मैचिंग ब्लू विद व्हाइट, मैचिंग ब्लू विद डार्क ब्लू। बिल्कुल ऐसे ब्लू कलर ना अगर आप गर्मी के मौसम में पहनोगे तो लोगों लगेगा यार ये इतना कूल बंदा है, ये एकदम शाहरुख खान इन कुछ कुछ जैसा है। कोई मिल गया। और ब्लू एक ऐसा कलर है जो काफी सारे बंदों पर बहुत ही जबरदस्त दिखता है। इसलिए गर्मी स्टाइल रूल नंबर वन, पेयर ब्लू विथ व्हाइट, ग्रे, डार्क ब्लू एंड गिव प्रायोरिटी टू कूल कलर्स। दोस्तों गर्मियों का स्टाइल रूल नंबर टू होता है करेक्ट मटेरियल फॉर पैंट्स। हमारे पैंट्स होते हैं हमारी आउटफिट का आधा हिस्सा, और उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर जो हम जैसे देसी बंदे होते हैं ना, कॉलेज के दौरान सिर्फ जीन्स पहनते हैं, डेनिम के जीन्स। डेनिम एक बहुत ही भारी मटेरियल होता है भाई, गर्मियों में ना आपको और भी ज्यादा गर्मी लगेगी जीन्स पहनकर। इसलिए मेरा ये मानना है कि गर्मियों के दौरान आपको जीन्स के बदले, डेनिम के बदले कॉटन चीनोस पहनने चाहिए। चीनोस होते हैं बिल्कुल ऐसे, इस प्रकार की पैंट्स जो कापूस से बने हुए हैं, उस प्रकार की पैंट्स। चीनोज में अगर आपको कलर्स के बारे में और जानना है तो आपको ब्लैक के लिए जाना चाहिए, ग्रे, ब्लू, शायद से ब्राउन के लिए भी जा सकते हो, डार्क ग्रीन के लिए भी जा सकते हो। पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको पैंट्स के बारे में और ज़्यादा जानना है तो पैंट्स के बारे में एक वीडियो हमने बना दिया है। समर के दौरान यूजुअली गिव इम्पोर्टेंस टू कॉटन पैंट्स। स्टाइल रूल नंबर थ्री बहुत ही सिंपल है। आई बात पैंट्स की, आपको शॉर्ट्स की लुक मास्टर करनी चाहिए समर में। दैट इज रूल नंबर थ्री, डोंट बी अफ्रेड ऑफ वेयरिंग शॉर्ट्स। बहुत सारे हम जैसे इंडियन बंदों को ना शॉर्ट से डर लगता है, हमें लगता है कि यार नहीं मेरे काफ बहुत छोटे हैं या मेरे टांगों पर बहुत ज्यादा बाल है। दोस्त इन दोनों चीजों से मत डरो। देखो अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो अपने टांगों के बारे में तो ठीक है, मत पहनो शॉर्ट्स, नो वरीज। पर अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है और अगर आपने शॉर्ट्स पहन लिए ना, आप क्या स्टड दिखोगे। शॉर्ट्स आप पेयर कर सकते हो एक मस्त लाइट कॉटन शर्ट के साथ, चप्पल, फ्लिप फ्लॉप्स के साथ, लोफर्स के साथ, बहुत ही जबरदस्त दिखोगे। दोस्तों मान लो गर्मियों के मौसम में किसी ने घर पर पार्टी रख ली, पूल साइड पार्टी रख ली, संडे को एक पार्टी रख ली, तब ना जीन्स मत पहनो, लंबे पैंट्स भी मत पहनो, शॉर्ट्स पहन लो, लोफर्स के साथ पेयर करो, एक मस्त लाइट शर्ट पहन लो और सारी लड़कियों का दिल जीतो। अगला टिप बहुत ही सिंपल, इस प्रकार की शर्ट देखिए कभी, इस मटेरियल को हम कहते हैं लिनन। लिनन ना एक प्रकार का बहुत ही लाइट मटेरियल होता है, इसमें हवे का फ्लो ज़्यादा होता है, एयर फ्लो ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से ना आपके शरीर से, आपके बदन से गर्मी दूर चली जाती है और ठंडी पास में आती है। दोस्तों ये होता है समर का आइडियल मटेरियल। लिनन की बात की जाए ना तो मुझे इस पर एक और ही वीडियो बनाना पड़ेगा, बनाते हैं कभी। पर यही ध्यान में रखो कि अगर आपको समर में स्टाइलिश दिखना है, लिनन खरीद लो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लिनन, पर लिनन विल लास्ट। अगर आपने एक शर्ट खरीद ली, 5-6 साल तक वो शर्ट चलेगी, और लिनन ना आपको एक बहुत ही फ्रेंडली लुक देती है। समर में लिनन पहनो। दोस्तों अब बात करते हैं समर एक्सेसरीज के बारे में। एक्सेसरीज मतलब मैं तो ज्यादातर वॉचेस ही पहनता हूँ, तो चलो वॉचेस के ही बारे में बात करते हैं। देखो जिस प्रकार से इस वॉच की ओवरऑल लुक लाइट है ना, यानी कि व्हाइट पेयर्ड विद टैन, ये एक ओवरऑल लाइट लुक की वॉच होती है। पर डार्क टोन वाले वॉचेस भी होते हैं, और डार्क टोन वाले वॉचेस ना मेरे ख्याल से तो विंटर में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। वो आपकी पूरी लुक को थोड़ी सी हैवी, थोड़ी फॉर्मल कर देती है। समर के दौरान फॉर्मल लुक्स आर नॉट रियली प्रेफर्ड, लुक्स विच आर प्रेफर्ड आर कैजुअल। ये होती है कैजुअल प्रकार की वॉच, लाइट टोन वाली वॉचेस, यानी कि जहाँ डायल वाइट है, क्रीम कलर डायल है, उस प्रकार की घड़ी पहन लो। हो सके तो लेदर स्ट्रैप की वॉच पहन लो, वो भी बहुत ज़बरदस्त दिखती है समर में। अब चलो आखिरी रूल के बारे में बात करते हैं, शूज़।
दोस्तों शूज की बात की जाए ना, तो आपको उस प्रकार के शूज पहनने चाहिए जिससे देखकर लोगों को लगे फिर से कि यार इतनी कूल लुक है ये, यार जो ये शूज इसने पहने हैं इतनी कूल हवे वाली लुक देते हैं। कौन से शूज होते हैं वो? फ्लिप फ्लॉप्स, लोफर्स। बहुत ही सिंपल। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रकार के जूतों में ना, इन दोनों प्रकार के फुटवेयर में मोस्टली आपकी स्किन ज्यादा दिखती है। क्लोज जूतों के बारे में सोचो, बूट्स, चेल्सी बूट्स, स्नीकर्स के बारे में भी सोच लो, वो सब क्लोज होते हैं। वो एक थोड़ी सी गर्म लुक देते हैं आपके पूरे आउटफिट को। इसलिए मेरा ये मानना है कि समर के दौरान थोड़ी सी ना अपने पैर की चमड़ी दिखा दो दुनिया को। अगर आप ये सोचो कि यार मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं ऐसे लोफर्स और फ्लिप फ्लॉप्स कैसे पहन सकता हूँ, दोस्त ऑफिस में भी लोफर्स अलाउड होते हैं। 2019 का जमाना चल रहा है। अगर आपके ऑफिस में सता रहे ना आपको कि यार आप लोफर्स पहन के कैसे आ गए, लोफर्स के अंदर सॉक्स पहन लो, वो भी एक प्रकार की कूल लुक होती है। दोस्तों वो बात हो गई हमारे बेसिक्स ऑफ समर फुटवेयर के बारे में। पर एक और ऑप्शन होती है, एस्पाड्रिल स्टाइल शूज। इसका मतलब है कुछ ऐसे प्रकार के जूते जिनका जो मटेरियल होता है ना वो भी बहुत लाइट मटेरियल होता है। जैसे कि लिनन आपकी बॉडी को ब्रीदेबिलिटी देता है, आपकी बॉडी को एयर फ्लो देता है। उसी प्रकार से एस्पाड्रिल शूज आपके पैरों को एयर फ्लो देता है। एस्पाड्रिल जैसे ही कुछ स्नीकर्स भी होते हैं जो बनाए गए हैं कॉटन से या वुल से, और इन दोनों प्रकार के कपड़ों के मटेरियल से भी ना आपके पैरों को एयर फ्लो ज्यादा मिलता है। तो ये हो गए हमारी समर ड्रेसिंग के बारे में फैशन गाइड। पर आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि योर ओवरऑल लुक इज कंप्लीटेड थ्रू परफ्यूम। समर के दौरान खुद पर परफ्यूम स्प्रे कीजिए, क्योंकि योर ओवरऑल आउटफिट की वाइब कहाँ से निकलती है? आपकी बू से, आपकी स्मेल से। अगर आपको समर लुक कंप्लीट करनी है, फाइनल रूल इज डोंट स्टेप आउट विदाउट परफ्यूम, डीओ, पाउडर। ये हो गया हमारा आज का वीडियो। अगर आपको और फैशन के बारे में जानना है तो प्लीज हमारी फैशन प्लेलिस्ट देख लीजिए। और अगर आपको रणवीर अलबाते को सब्सक्राइब करना है, गोलू बटन। सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट समर।